सुबह भाई बहुत ठंड है, हद से ज़्यादा। और मैंने जैकेट पहन रखी है, इसमें भी ठंड लग रही है मुझे। और भाई सुबह सुबह जा रहा हूँ गाड़ी में से, इंजन रोने की ख़त्म हो गई है। और परसों फंक्शन भी है भाई, जब भी थी ये सामान सामून लाने के लिए, तो भी पहले इसका शीशा साफ कर लें। क्यों रात को भाई वाइपर चलाने के बाद भाई बिल्कुल भी नहीं दिखता इसमें, क्यों ख़राब पड़े इसके वाइपर, वो भी ठीक कराने हैं, टाइम मिलता नहीं है। तो एक बार इसके इतने थोड़ी बहुत शीशा साफ कर ले। और इस गाड़ी का कवर मंगवाया था हमने चढ़ाने के लिए कि भाई कहीं जाते ही नहीं कवर चढ़ा कर देंगे, पर वो चार दिन ही चढ़ा, उसके बाद कोई इसने चढ़ाया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ी है पीछे डिक्की में। और भाई कितनी गंदी हो रखी है गाड़ी इसी हमारे, कि चढ़ाना भूल गया, धूल मिट्टी बारिश वोरिश और उससे इतनी गंदी हो रखी है, हद से ज़्यादा गंदी हो रखी है अभी ये गाड़ी। इससे तो भाई मैं हर संडे साफ कर देता हूँ, पर भाई इतनी बड़ी गाड़ी है होती ही नहीं, इसलिए बहुत टाइम लगता है, दुखी हो जाता हूँ मैं साफ़ करने में, इसलिए नहीं करता। इसे मैं हर संडे कर देता हूँ तो ये थोड़ी बहुत साफ़ रहती है, वो कहीं जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। भाई सुबह सुबह कितना पोल्यूशन है, धुंध तो नहीं सकती भाई, 100% पोल्यूशन ही है। और एक खड़ी भाई गाड़ी इसमें सीएनजी भरती है, पर भाई सुबह सुबह पोल्यूशन बहुत है, हद से ज़्यादा, वहाँ आपको पता चल रहा होगा कितना पोल्यूशन है। सो भाई एकदम तैयार हो चुके हैं, जीन्स शर्ट शर्ट, और भाई मैं जा रहा हूँ भोजे घर पे, क्योंकि पापा ताजी कुछ काम है वहाँ पे, तो मैं चले जाऊँगा भाई, क्योंकि मैं घर में पड़ा पड़ा ही बोर होता, तो पापा जा रहे हैं तो भाई खाली है गाड़ी, मैं भी जा रहा हूँ इसलिए। और अब तक भाई वीडियो का इंट्रो शूट नहीं हुआ है, तो गुड मॉर्निंग साहब, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। और आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट। और भाई मैंने स्वेट शर्ट पहन लिया, क्योंकि शर्ट और स्वेट शर्ट पहनते हैं तो गर्मी लगती है, और खाली पहनने में क्योंकि ठंड ना पहने तो ठंड लगती है, इसलिए खाली ये पहन लो, ना गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी। तो अभी कुछ नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई अभी आए एक बार हम ताऊ जी के घर पर, क्योंकि ताऊ जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनका थोड़ा पर पूछना है कि भाई ठीक ठाक है, खुले रह ले। अभी जाना है तीसरे फ्लोर पर चढ़ के, लिफ्ट नहीं है क्योंकि। तो गाड़ी होने का ये घाटा है, पता नहीं चलता इसमें, कभी किसी में तेल नहीं होता, कभी किसी में नहीं होता, इसमें भी था नहीं, इसलिए डलवाना पड़ा। भाई भाई ने भी ये बनवाई है भोलेनाथ जी की फोटो पूरा, और भाई वो इतना खुराफात इंसान है मेरा भाई, वो कुछ ना कुछ करवाता रहता है, जैसे अभी ये बनवा दी, ऊपर उसका कमरा है, उसने उस कमरे में ही कम से कम 5,000 रुपये लगा दिए, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कभी कुछ तोड़वा देता है, कभी कुछ तोड़वा देता है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है। और भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सो भाई घर पहुंच चुके हैं, और भाई बीच में व्लॉग इसलिए नहीं करा, कमर में दर्द हो गया, घाटी में बैठे बैठे जाम, पूरे रास्ते जाम इतना मिला, ऊपर से एक बार हम और किसी काम से भी गए थे, तो फूफा जी ने एक काम दिया था वो भी कंप्लीट करते, तो भाई जाम में हालत ख़राब हो गई थी। अब घर पहुँचे हैं तो अब थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते, कमर में दर्द हो रहा है, और कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हैं कल के लिए सामान लाऊंगा, फ्रूटी रूटी। सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, कल आएगी बुआ जी हमारी बात नोट में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लाना है भाई, फ्रूटी और तो वही, और कान्हा सर्दी आ गई है तो कान्हा जी के लिए गर्म कपड़े बनाने, मम्मी को उसके लिए ऊन भी लानी है, तो अभी चलते हैं और वो सब सामान लेके आते हैं। और बाहर सब बच्चे भाई बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर पहले खेल रहा था पर अब थक गया मैं। सो भाई पहले हम जा रहे थे मैं मम्मी ओनली बाइक पे, बट अब पापा भी जा रहे हैं, रुको भी दिखाता हूँ, पापा मम्मी भाई सारे जा रहे, तो फिर एक गाड़ी लेके जानी पड़ेगी भाई हमें, तो गाड़ी को ले चलते हैं, सामान लेके आते हैं, हमें पानी वानी की बोतल भी चाहिए। अंकल माजा की वो है पेटी, माजा की 10 वाली वो नहीं आती, उसकी पेटी है, कितने की है? एक 360। चलो सुबह ये तो महंगी दे रहा है, हमारे पास 340 की मिल रही है, वही ले लेंगे, आ जाओ वहीं ले लेंगे। और भाई पानी की गिलास हमने इनको बोल दिया, ये सुबह जो ये दुकान है ये सुबह भाई ले आएंगे, सुबह यहाँ से उठा लेंगे। और एक नमकीन लेनी थी भाई, काजू मिक्सर, क्यों बुआ जी आएंगी सबको देने के लिए, वो भी ले लिया, बस अब घर चलना है और पानी की बड़ी बड़ी पेटी उठानी है, पेटी नहीं कैन। सो भाई सारा सामान लेके आ चुके हैं, और पानी बोतल भाई 3 लाए 20-20 लीटर की खाना बनाने के लिए, और भाई वो ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो गई, सांस फूल गई, क्योंकि 20-20 लीटर की थी, भारी थी,
और भाई फ्रूटी मिली नहीं माजा की, हमें जो पेटी चाहिए थी वो मिली नहीं क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। वो क्या था भाई 5 बजे तक आ जाएगी रात को, तो ले जाना। सो है मैं व्लॉग एंड कर चुका था, मुझे लगा कुछ होगा नहीं और कुछ करने को, पर मेरे अब ध्यान आई 8:30 होने की, भाई शेप भी बनवा के आनी है, सेट करा के आनी है, फिर कल बुआ जी आएगी तो अच्छा ही लगेगा, तो भाई थोड़ी अच्छी सूरत बनानी है। तो अब 8 बजे जा रहा हूँ, 8:30 हो गए और भाई इस टाइम भीड़ भी हो रही होगी सुबह। तो भाई एक तो भीड़ भी हो जाएगी क्योंकि कल है संडे, कल उस पर बहुत भीड़ हो जाएगी, 8 से ज़्यादा दुकान पे भी, तो इसलिए अभी चले जाते हैं। खेल लिया बैडमिंटन? खेल लिया बैडमिंटन? आज सुबह भी खेल रहा था तू मेरी गैल, थका ना है? चल ठीक है। सुबह शेव करवा के, सेट सूट करा के, पूरी भीड़ आ चुके हैं। और भाई जिस पे मैं रेगुलरली जाता हूँ बनवाने, बाल कटवाने, भाई उसके पर बहुत भीड़ थी, कह रहा भाई 9:30 बजे तक आएगा नंबर, 9:30 बजे तक भाई हो पाएगा, फ्री में हो पाऊँगा फ्री। मैं आया था तो भाई फ़ायदा नहीं है बैठ के, तो शेव पर सेट करानी थी तो किसी और पर करवा ली, पर अच्छी करती उस भाई ने भी। और चलते हैं फिर, चल दिए ये व्लॉग एंड कर देते हैं, बाद में काम बताते हैं भाई। अब जा रहे भाई फ्रूटी लेने, फ्रूटी थी भाई, कह रहा था 8:30 बजे तक आ जाएगी तो आ जाना, तो मैं यार भाई लेने जा रहा, मैं पीछे पकड़ लूँगा भाई बाइक चला ले, वो चाबी लेके आ रहा है अभी, और फिर चलते हैं भाई। अभी बज रहे हैं रात के 11 बजे और भाई मैं सो गया था, अभी आया भाई सुबह, कल फंक्शन है बुआ बुआ की, तो केटरर्स का भाई सारा सामान सुन आया है, हलवाई के बर्तन वर्तन। और भाई मेरी शक्ल बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है क्योंकि मैं अंधेरे में सो गया था भाई, मेरी आँख बाल सब अजीब से हो रहे हैं भाई। शायद भाई वो ही है, देखता हूँ भाई, बार वो पूछता हूँ भाई, पता नहीं कौन सी है तो पहले देख लो, वो ही है शायद। तो भाई यही गाड़ी थी पर ये ऊपर चली गई थी, अब आ गया भाई इसमें से जल्दी जल्दी सामान उतार के ऊपर रखें क्योंकि भाई कल सुबह जल्दी चाहिए भाई हमें खाना खुना दे जल्दी, आज से रात को भाई सामान सुन रखने आएगी, सुबह तो लेट हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी सामान ऊपर छत पर चढ़ा देंगे, ये भी घर जाएंगे और हम भी सोएंगे भाई, बहुत नींद आ रही है भाई, बहुत ठंड है, सब बिना उसके ही खड़े हैं, बिना सब टी शर्ट में, क्योंकि सब सोने की तैयारी पे थे। सुबह सारा सामान रखवा दिया है ऊपर और अंदर, भाई अभी जा रहे हैं, ये आएंगे सुबह 7 बजे तक ही कोशिश करूँगा। सब गए और इस ब्लॉग को भी यहीं करते हैं, ये ब्लॉग अच्छे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके दाना, अपना फेवरेट स्टार्ट भी होते हैं आप लोगों से बड़े ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। मैं सो गया था यार, नींद आ रही है बोलते ही, भाई अभी जा रहे हैं तो सुबह आएंगे।